हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रेगुलर हेक्सागन पर आधारित है। आज हम देखने वाले हैं कि रेगुलर हेक्सागन या सम षटभुज जो होता है उसके अंदर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए जो कि उसकी रेखाओं से स्पर्श करता हुआ गुजरता है, या फिर उसके बाहर कोई सर्किल बना दिया जाए, तो हम दोनों कंडीशन में उस सर्किल की रेडियस कैसे फाइंड करते हैं आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की हम ट्रिक शुरू करते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या बना हुआ है, एक रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले मैं आपको इस रेगुलर का मतलब बता देता हूँ, रेगुलर का क्या मीनिंग होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम। देखो रेगुलर मतलब होता है समान, एक जैसा। कैसा होता है रेगुलर का मतलब, समान या एक जैसा, ये मीनिंग होता है। ठीक है, हिंदी में सम का मतलब होता है समान और रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक, तो यहाँ एक जैसा क्या है, सम षटभुज या रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, षट का मतलब क्या होता है, छ, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजाएं। भुजाएं को हिंदी में भुजाएं बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भुजाओं को क्या बोलते हैं, साइड्स, है ना, क्या बोलते हैं, साइड्स। तो अब आप समझ गए होंगे सम मतलब एक जैसा, सट मतलब छे, और भुज मतलब भुजाएं, साइड्स। तो जिसकी छे साइड हो और छे साइड कैसी हो, समान हो, एक जैसी हो, मतलब छे साइड हो और छे की छे जो साइड है वो कैसी हो, एक जैसी लेंथ की हो, समान लंबाई की। तो उस ज्योमेट्री को हम क्या बोला जाता है, उस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, सम षटभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, मतलब एक ही लेंथ की हो और कैसी हो, एक जैसी हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सम षटभुज बोलते हैं उस ज्योमेट्री को। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन, एक जैसी भुजाओं वाले मतलब ज्योमेट्री को, ज्यामिति को हम क्या बोलते हैं, सम षटभुज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप सम षटभुज का मतलब समझ गए हैं। अब यहाँ देखिए ये सम षटभुज है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। इसकी साइड मैंने मान ली कितनी है, ए, ये ए, कितनी साइड हो गई इसमें, ए, सारी ए क्यों मानी है, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, सेम। अब मैंने इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है, देखो जो इसकी साइड को क्या करता हुआ, टच करता हुआ जा रहा है, इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, मतलब जो छह की छह साइड है उसको टच करता हुआ अंदर एक क्या बना दिया मैंने, सर्किल बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए किसी भी ज्योमेट्री की जो रेगुलर होती है उसके अंदर के जो कोण हो उनकी अगर आपको वैल्यू निकालना है कि उसके अंदर के जो कोण है उसका योगफल कितना होता है, तो कैसे निकाला जाता है, टोटल, है ना, इसको टोटल बोलते हैं। तो जो टोटल होता है वो कैसे निकाला जाता है, एन मतलब कितनी भुजाएं, छे, तो उसके अंदर के जो एंगल्स हैं उनका समेशन कितना होगा, एन बराबर आप छे रख दो यहाँ, कितना हो जाएगा, 4 × 180, कितना जाएगा, 720। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, सबका टोटल कितना है, 720 है। कितने एंगल, देखिए एक एंगल ये है, दो, तीन, ये चार, पांच, ये छः, तो 720 को 6 भागों में बांटना है आपको, है ना, सभी इक्वल होंगे, तो 120 डिग्री, मतलब ये सभी जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री, इन सभी एंगल्स की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री होगी। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब देखिए अगर मान लो मैं यहाँ से इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो देखो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक पार्ट ये हो गया इस तरफ वाला, एक ये हो गया, ये भी बराबर होंगे, और यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ कर दो तो ये भी पार्ट बन जाएगा, मतलब कितने भाग बन जाएंगे, 6 भाग बन जाएंगे, 6 पार्ट। तो देखिए ये 120 है, इसको आपने डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 60, है ना, क्योंकि 120 को आपने 2 भागों में बांट दिया अलग अलग, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, वैसे यहाँ पर भी सारे 120 है तो ये भी 60 होगा और यहाँ वाला भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब आगे समझ में, इसको नाम दे देते हैं ओ, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आगे समझ में,
अब देखिए ये सब मैं आपको मिटा देता हूं। अब आप देखिए, अगर मैंने इसको अलग से सेपरेट, खाली इसी को बस बना लेता हूं मैं, ठीक। यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, यहां से ये ड्रॉ कर दिया, ये ए है, ये भी ए है, ठीक। ये ए कैसे हो गया, देखिए मैं बता दूं, ये सब ए है साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड ए है, मैंने अभी आपको बताया ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं वो तो कैसा ट्राइंगल होता है, कैसा ट्राइंगल होता है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ओ ए बी कैसा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ओ ए बी कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, मतलब कैसा त्रिभुज हो गया ये, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट। ये कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो ये सब भुजाएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ए ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, एंगल भी क्या हो गया 60 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए आपको रेडियस फाइंड करना है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से देखो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये मिट गया, तो मैं यहां से इसको ड्रॉ करता हूं फिर से, ये बन गई एक साइड, ये एक साइड, ये ए, ये भी ए, ये भी ए। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री। देखिए यही क्या है, सर्कल की रेडियस होगी आर। ये जो ट्रायंगल बना है ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये क्या बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी है ना, और यही हाइट क्या है, रेडियस। तो या तो आर बोल लो या हाइट बोल लो, वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो रूट थ्री बाय ए, रूट थ्री बाय टू इंटू ए होती है। तो जो हमारी रेडियस भी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, रूट थ्री बाय टू इंटू ए। तो अब आप समझ गए, किसी भी रेगुलर हेक्सागन या सम षटभुज के अंदर अगर कोई सर्किल बना है तो सर्किल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, रूट थ्री बाय टू इंटू ए होती है। अगर आपको ए की वैल्यू बता दी जाए कि कितनी है, मान लो ए की वैल्यू रूट थ्री बोल दे, तो आर बराबर कितना जाएगा, रूट थ्री इंटू, यहाँ भी रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, मतलब कितना जाएगा, थ्री बाय टू। सो आर इज इक्वल टू 1.5। इससे आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई को पाई ही रहने देना, 1.5 का होल स्क्वायर है ना, 2.25 पाई। इस तरह से आप इस सर्कल की रेडियस भी निकाल सकते हो और इसकी इसका एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ गया समझ में आपको। अब हम देखते हैं कि इस रेगुलर हेक्सागन के बाहर यदि अगर कोई सर्किल बन जाए तब उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं। ये देखिए, अब ये हेक्सागन है, इसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है, बाहर देख रहे हैं आप सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल की विशेषता क्या है, अंदर वाला सर्किल जो होता था वो साइड्स को टच करता था, भुजाओं को, लेकिन जो बाहर वाला सर्किल होता है वो इसके वर्टेक्स को टच करता है, शीर्षों को, ये शीर्षों को टच कर रहा है, देखिए वो बाहर बना हुआ है, इसलिए कैसा सर्किल है, सरकम सर्किल, ठीक है, बाहवृत्त। इस सर्किल का सेंटर हो गया ये, वो नाम दे दो उसको। अब देखो इसमें बहुत ही आसान है, अभी मैं आपको बता के आ चुका हूँ, आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है ए। तो अभी मैंने आपको बताया तीनों एंगल क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, तो ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही क्या है, आर है, इसको हम कैपिटल आर दे देते हैं, तो यही क्या बन गई हमारी, कैपिटल आर, जो कि इसकी साइड के बराबर है, यही रेडियस बन जाएगी। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए, मतलब रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर हमको रेडियस निकालना है तो इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पॉइंट से जो सर्किल बनाया जाएगा जो कि इसके वर्टेक्स से होकर जाता है तो वो क्या कहलाता है, सरकम सर्किल, बाहवृत्त। और उस बाहवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उस हेक्सागन की साइड के बराबर होती है, ठीक है। अगर कोई हेक्सागन है जिसकी साइड ए की वैल्यू 5 दी है तो उसकी सरकम रेडियस, बाहवृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 5। इसका एरिया अगर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का वर्ग 25 पाई, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है,
अगर रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज के बाहर कोई वृत्त बना है तो वो उसकी भुजा के बराबर होती है रेडियस, ठीक है। अब इसका मिक्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए रेगुलर हेक्सागन है, इसके अंदर भी सर्किल है और इसके बाहर भी सर्किल है, तो हमने स्मॉल आर अभी क्या निकाल के आए हैं, देखो रूट थ्री बाय टू इंटू ए, और आर बराबर क्या निकाल के आए हैं, कैपिटल ए। मतलब हम इस ए की जगह क्या रख सकते हैं, आर, यहाँ पे आप आर रख दो, स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू इंटू कैपिटल आर, ठीक है। ये आप यहाँ ट्रांसफर कर लो, टू आर इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू आर, ये रिलेशन निकल के आता है। अगर आपको स्मॉल आर दिया है तो आप कैपिटल आर फाइंड कर सकते हो, अगर कैपिटल आर दिया है तो स्मॉल आर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कैपिटल आर इज इक्वल टू आपको क्या दे दे, थ्री रूट थ्री दे दे मान लो, ठीक है, और पूछे कि स्मॉल आर बताइए, तो आप कैसे निकालोगे स्मॉल आर, ये रिलेशन आप रख देना तो वैल्यू हो जाएगी, तो टू आर इज इक्वल टू रूट थ्री हो गया ये इंटू कैपिटल आर, क्या हो गया थ्री रूट थ्री, कितना हो जाएगा ये तीन, और ये भी क्या हो जाएगा तीन, तो तीन त्रिका नौ, तो आर बराबर नाइन बाय टू, दो बट्टे में जाएगा, कितना जाएगा आंसर 4.5। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये इन दोनों में रिलेशन हो गया, इसमें इन रेडियस और सर्कम रेडियस में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में या इससे मिलते जुलते किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।